जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बगैर मसीफ ज़्यादा, मैं हूँ मुशारे फारूकी। नाज़रीन आज हम लाहौर में वाकई एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी तामीर हो रही है, लेकिन पहले की तरह काफ़ी हमने लोकेशन ऐसी की हैं जो तामीराती काम शुरू होता है लेकिन साथ ही रोक दिया जाता है इन गैर मरी मखलूक़ात की वजह से। अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये जगह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, EMF मैं ऑन कर रहा हूँ, हम आते ही EMF ऑन कर रहे हैं। बड़ी जगह नहीं है, दो से तीन मरला होगा ज़्यादा से ज़्यादा भी शायद, या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन दो तीन मरले पे मुश्तमिल ये जगह है। और ये पहला इसका रूम है। EMF पे रीडिंग नहीं है, एक तो बिजली का नामो निशान वैसे ही नहीं है इधर, ना अभी उस लिहाज से बनाया गया। क्या कुछ चीज़ है यहाँ पे? सेकंड है, कौन है? अल्लाह अल्लाह, कौन है? बच्चों की आवाजें भी आ रही है ना, देख के जरा बहुत ध्यान से। और ये अभी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, और अभी रीसेंट रोका गया है। अभी हमें इसका बताया गया कि रीसेंट टाइम में जो काम है वो रोक दिया गया है, मज़दूर काम करने को तैयार नहीं। ये क्या हो रहा है? कुछ भारी पन जैसे होता है ना, ये आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसमें खामोशी रहना ज़रा। जैसे कि चीज़ें हैं इर्द गिर्द आबादी है, लेकिन ये आवाज़ें इस घर से आ रही हैं नाज़िम, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई जलजला टाइप वाइब्रेशन हो रही है, चल रहा है बकायदा, जैसे कोई लेयर आती है ना कोई वाइब्रेशन की, वो महसूस हो रही है। क्या कोई चीज है यहाँ पे? ये देखो फिर आई है, कौन है? दोबारा अपने होने का साहस दिला सकते हो बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर? ये देखो नाज़रीन, शायद ये आप आवाज़ें सुन रहे हों, यकीनन हमें महसूस हो रही हैं, और ये जो वाइब्रेशन है वो मैं हमारी टीम महसूस कर पा रही है, लेकिन समझ से बाहर है। कौन है यहाँ पे? ये कुछ हो रहा है यार। सही इधर आओ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, या छतें देख रहे हो गीली हैं, मेरे ख्याल से अभी जैसे काम इसका शुरू हुआ हुआ है, और कुछ समझ से बाहर है ये जगह। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये काफ़ी देर से बंद कर दी गई है, अभी रिसेंटली ये चीज़ें हो रही हैं। क्या तुम यहाँ पे हो? अपने होने का साहस दिला सकते हो? हमें आवाज़ें तो आ रही हैं, क्या हमें सुन सकते हो? अल्लाह यार, ईंट गिरी है जैसे कि फेंक रहे हैं उसे। क्या हमें सुन सकते हो? अल्लाह यार, ईंट गिरी है जैसे कि फेंक रहे हैं उसे। हमसे बात कर सकते हो? रीडिंग दे सकते हो उसमें? एक काम करते हैं, सही आप नीचे रहो, मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है? आओ मेरे साथ, आप नीचे दिखाओ, हम ऊपर होकर आते हैं। बस नबी दाओ जगह, इस पर बार बार रहे। नाज़रीन ऊपर देखते हैं कि ऐसा क्या मामला था, बहुत देख के ज़रा ध्यान से, खस्ता हाल है। अल्लाह पर, ओ गुडनेस, इसकी तो चार दीवारी इस किस्म की नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कौन है यहाँ पे? कोई है?
आना। अल्लाह अकबर, तुमसे मुझे महसूस हो रहा है जैसे कुछ है। कौन है यहाँ पे, कोई है? होने का साज ला सकते हो? जैसे इधर से आवाजें आ रही थी और जैसे बकायदा भारीपन, कोई जोर से कोई चीज गिराता है। देख देख के नाजिन, यहाँ पे भी रीडिंग तो नहीं आ रही। मैं ऊपर भी कर रहा हूँ, कोई रीडिंग हमें महसूस नहीं हो रही। इर्द गिर्द लोग हैं इस टाइम, हमारी कोशिश यही है कि हम धीमी आवाज में रहें। इर्द गिर्द जो आबादी है, लोग शायद छतों पे सोए हों, तो हम नहीं चाहते कि उनको हम डिस्टर्ब करें। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। कौन है, सामने आ सकते हो? कुछ साई की शक्ल में आ सकते हो? हम तुम्हें देखने आए हैं कि अपना होने का साज दिला सकते हो बगैर नुकसान पहुंचाए। बगैर अगर तुम हमारे करीब हो, होने का साज दिलाओ। ये फिर कुछ नवीद, इधर है नवीद, आना इधर। कौन है यहाँ पे? रीडिंग जो है, क्योंकि अल्लाह, क्योंकि अल्लाह, कुछ हुआ है। कौन है अंदर? सईद नीचे है, हमारे दूसरा कैमरामैन, हमने इसको नीचे रखा हुआ ताकि कोई नीचे हैपनिंग हो तो वो हम लोग देख सकें। रीडिंग ऐसा नहीं आ रही, लेकिन मूवमेंट हमें महसूस हो रही है, जैसे कोई चीज़ चलती है और हमारे इर्द गिर्द महसूस। कौन है यहाँ पे? कौन है? अभी फिलहाल नाजिम आवाज़ें ही हमें महसूस हो रही हैं, लेकिन रीडिंग नहीं आ रही, कोई ऐसा मामला नहीं आ रहा। ये क्या हुआ है सईद? ठीक है सब यार? कौन है अंदर, सामने आ सकते हो? नाजिम जगह बहुत छोटी है और ये सही देख सकते हैं हम नीचे, हमारे दूसरा कैमरा में नीचे ही है। कौन है यहाँ पे? अपने होने का साज दिलाओ बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर। इसमें रीडिंग दे सकते हो अगर सामने नहीं आना तो? अगर हमारी कोशिश तो जारी है, लेकिन उस तरह की मूवमेंट हमें नहीं मिल पा रही। वो जो चीज़ है वो है ज़रूर यहाँ पे। ये मैं देख के पीछे देख के देख के नवीद, थोड़ी देर अब एक काम करते हैं, या कैमरा लगाते हैं, थोड़ी देर नीचे जाते हैं, सही है? ठीक है, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या मामला होता है। उई, वो बिल्ली 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 एकदम आई थी, बिल्ली चली गई है। हाँ, नाइट विजन पे शायद रिकॉर्ड हुई हो। ऊपर से बिल्ली आई है, उस एरिया में गई है और विद इन फ्यू सेकंड्स गायब हुई है। ये शायद एडिट पे आप देखें, नाइट विजन पे मैंने शायद देखा, आप देख सकते होंगे, बिल्ली उतरी है और ऐसे गायब हुई है। बिल्ली कहीं भी उतरती है तो टाइम लेती है ना, मतलब कहीं उसने फुटस्टेप नीचे गिरना है या नीचे जाना है। ये बिल्ली, आप नवीद रहो, ये ऊपर छत से आई है, ये वाली जो छत है, ठीक है, ये जो छत है यहाँ से वो सीधा इधर आई है और डायरेक्ट कहीं गायब हुई। उसको स्टे, उसने स्टे भी नहीं लिया, मतलब ये हाइटेड जगह है, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, उस जगह से उसको एकदम तो नहीं। अब ये बहुत डाउटफुल था।
तो देखते हैं, पीछे देखें, पीछे देखो देखो देखो, देख के अब यहाँ कहाँ पे लगाएं, मुझे समझ नहीं आ रही। नाइट विजन मैं चारों के पूरा एरिया है ताकि उसे हम देख सकें। समझ नहीं आ रही ना हम नाइट विजन किधर लगाएं और जहाँ पे हमें कुछ, क्या दोबारा अपने होने का साहस दिला सकते हो बगैर नुकसान पहुँचाए, बगैर बिल्ली की शक्ल में दोबारा सामने आ सकते हो? मैंने तुम्हें देखा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आवाज़ें आ रही। मैंने तुम्हें महसूस किया है कि तुम इधर मौजूद हो। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे नहीं जाना चाहता। फिर ये कुछ हुआ है, बकायदा हुआ है ये, उधर ही हुआ है ये। बकायदा हुआ है यार। देखो हम यहाँ कैमरा लगा के जा रहे हैं, अगर तो इसके सामने से गुजर जाओ या इसके सामने जानवर की शक्ल में आ गए तो ठीक है, हमें पता लग जाएगा तुम यहाँ पे हो। आई नजर थोड़ा नीचे चलते हैं दोबारा तो फिर इसको देखते हैं, नाइट विजन में क्या मामला था। बहुत ध्यान से नवी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या मामला था। सईद मिला तुम्हें कुछ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नवी जल्दी आ, जल्दी जा, जल्दी आओ। ऊपर नाइट विजन हमने लगाया, मैंने क्या देखा, ऊपर एक छत से बिल्ली दूसरी छत पे आई है और ड्रैग नीचे दूसरे घर में चली गई है। हम कोई बात कंप्लीट करने लगते हैं, वो आगे से कुछ चीज़ डायरेक्शन देती है। जगह नाजिन बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है और वो जो बिल्ली की बात मैं बता रहा हूँ ना, एक बिल्ली को जानवर अगर कहीं से भी आता है नाजिन, वो इतनी जल्दी आंखों से आपके गायब नहीं हो पाता और इतनी हाइटेड जगह से नाइट विजन पर शायद उसकी परछाई या शायद उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड हो गई हो। वो इतनी हाइट से बिल्ली ने जंप किया है। इधर कर, इधर जल्दी सईद। क्या मैंने बकायदा देखा है कि कुछ चीज हमें देख रही है? बकायदा सईद इधर ही रखना, सईद जाना उधर। ये साय की शक्ल में ये मेरे पीछे जैसे मुझे महसूस हो रहा है, जैसे राउंडेड शेप में आई है। इधर कुछ थोड़ी सी बढ़ा दो आवाज नवीद, ताकि साउंडिंग की आवाज में। कौन है, कौन है? कुछ भी टक टक हो रहा है, टक टक। हमें जैसे कोई चीज़ नॉक कर रही है।
देखो हम ऊपर कैमरा लगाया क्या उसके सामने से कोई मूवमेंट कर सकते हो, उसके सामने से आ सकते हो जानवर की शक्ल में दोबारा। हम जैसे ही ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए नाजिन, वो चीज़ ने रिएक्शन दिया है, बकायदा जैसे पत्थर गिरा है, बहुत भारी चीज़ गिरी है, रीडिंग नहीं आ रही अभी फिलहाल। ये घुमा सकते हैं, वो उल्लू की आवाज़ ऐसे होती है वो करके ना, इधर और ऊपर, ऊपर बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ही यहाँ मामला आ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ऊपर मैं कैमरा पिक करता हूँ, ठीक है सईद, नीचे देखो, आओ नवीद जरा आओ, लो ऊपर, देखिए आओ नवीद, नाइट विजन में हम एडिट पे देखेंगे कि क्या रिकॉर्ड हुआ। नवीद इसमें देखो, हम तुम्हारी जगह पे आए हैं, हमें मालूम है तुम यहाँ पे हो, क्या दोबारा अपने होने का एहसास दिला सकते हो? हमें आवाज़ों से ना डराओ, हमारे सामने आ सकते तो ठीक है, या रीडिंग दे दो हमें इस मीटर पे। बिल्ली की शक्ल में दोबारा आ सकते हो, हम तुम्हें तो देखना चाहते हैं, हमने तुम्हें महसूस किया है, लेकिन नुकसान ना पहुंचाना। काश नवीद उस तरफ देख, पीछे देख देख देख, थोड़ा पीछे दिखाना मुझे, लाइट देना मुझे नवीद, पीछे करो कैमरा, देख के देख के, इधर आना जरा, बिस्मिल्लाह। ये नाज़रीन देख सकते हैं, मजदूरों का जो सामान है वो इधर ही छोड़ गए हैं, वो हमें रेटिंग दे सकते हो, कोई रेटिंग दे दो हमें, देख के देख, ये गिलास पड़ा हुआ है इधर, यहाँ कोई हलचल कर सकते हो? मैं तुम्हारी जगह पे आया हूँ, क्या मैं रह सकता हूँ इधर? ये क्या है? लो फुकर स्टफ, लो फुकर स्टफ, देख के देख के देख के देख के देख, इधर इधर यार, कुछ बकायदा कुछ चीज लगी है, पत्थर फेंका किसी ने, ओह गुडनेस, ये तो लगने लगा था नहीं, ये उस साइड भी, हाँ 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 ठीक हूँ यार, इधर आ जा नवीद, इधर रुको, इधर यार ये बकायदा अटैक हुआ है, बकायदा लगी है, मतलब हम बच गए हैं लिटरली नाज़रीन, हमें अटैक हुआ है और बकायदा वो चीज़ जैसे पत्थर कहीं से महसूस हुआ है कि लगा है दीवार पे, लेकिन इतनी करीब था कि हमें वो लग सकता था, हमें ये फील हुआ है। कौन है? वो चीज़ रिएक्शन देती है, उसके अलावा सामने नहीं आ रही, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो जानवर की शक्ल में दोबारा आ सकती है तो ठीक है, हम जानने के लिए तो आए हैं कि क्यों वो यहाँ पे है और क्या सईद, सईद जर एक से नीचे आओ, देख के देख के सर, देख के आना सईद, क्या हुआ है? ओ ये अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ना करिए ये साया, देखिए साया साया, ये भी
ये साया देखे, साया साया, ये पीछे साया देखे। For God's sake, तुमने रिकॉर्ड करना था ना यार। अल्लाह अकबर। कौन है यहाँ पे? सईद, नाजिम, मैंने बकायदा साया देखा है, मैंने बकायदा साया देखा है। नाजिम आप यकीन जानिए, शायद नाइट विजन पे मैं अभी आया ही हूँ, जूम नहीं हो सका या लाइट की वजह से। मैंने क्या देखा, कुछ चलती हुई चीज़ आ रही है बकायदा। इधर कोई चीज़ गिरी, पैर पे लगी है ये, अभी मेरे सामने गिरी है ये चीज़। तो वापस जब मैंने किया तो वो साया था, मेरे करते करते वो गायब हो गया। हम अनफॉर्चुनेटली शायद वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए साया। यार बकायदा इंसानी नुमा जैसे कोई चीज़, जैसे बॉडी होती है ना नाजिम, मैंने बकायदा कोई चीज़ देखी है जो मूवमेंट कर रही है, एक जगह से मूव कर रही है। पहले मैं शॉक इसलिए हुआ जब इसने मुझे साये का कहा, मैं समझा नवीद का साया। चल लाइट, आवाज़ आता करना, खामोशी। कौन है? साथ ही रुक गया। ये कौन है इधर? सही उधर रखो, ऊपर रखो। यार दरवाजा भी नहीं लगा अभी, ये तामीराती राम शुरू हुआ है, आप सब खुद समझे ये चीजों को, और अभी ये मामला शुरू हो गया। अच्छा नाज़िम अब एक काम करते हैं। यार कौन है यहाँ पे? सामने आ सकते हो, बात करो हमसे। नाज़िम यकीन करें, हम ये काफ़ी अरसे से चीज़ें करते आ रहे हैं, जब ये चीज़ इस तरह हमारे साथ खेलती है ना, तो यकीन जानिए कभी कभार तो खौफ ख़त्म हो जाता है और एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ ऐसे आपको शरारत करती है और ऐसे आपको संभलें खिलाती है कि आप एक जगह जाएंगे उधर कुछ कर देगी, इधर जाएंगे उधर डर देगी। अमूमन ये चीज़ शरारती होती हैं, हम अक्सर जगह पे देखें 3 से 4 फुट पे रीडिंग आती है। अभी यहाँ पे वो चीज़ है, दूर है, शरारत कर रही है हमारे साथ। वो जो रीडिंग का ना आना, वो रीडिंग पे ना आने का उन, वो खुद चाह रहे हैं कि ना आए। ये सारी चीज़ें हैं ये आपके सामने हो रहा है, हम भी महसूस कर पा रहे हैं वो चीज़ों को। एक काम पहले भी हम करते हैं, आज दोबारा करेंगे, मोमबत्ती का इस्तेमाल, कैंडल का, उस चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ अगर वो खेल रही है, हम उसको प्रोवोक करते हैं, हम उसको दावत देते हैं कि हमारे साथ अपने होने का साथ ज़्यादा दिलाएं। तो अभी मैं काम करता हूँ, नवीन आपने मेरे ख्याल से कैंडल मुझे दिखाना है आपके पास। ये कैंडल चलाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। नाज़िर हम अपने रिस्क पे कर रहे होते हैं ये चीज़ें, देखते हैं ये करने से वो चीज़ हमें रिएक्शन देती है या इसको क्लोज़र बना दीजिएगा। चल रहा है नज़िर, हवा का नामो निशान नहीं है, बंद हो रही है बात, वो चीज़ नहीं चाह रही कि हम आपका इस्तेमाल करें। हमें पता तुम यहाँ पे हो, तुम जिस चीज़ से बने हो उसके सामने तो आओगे ना। Thank you.
ناظر ہم نے کینڈل چلا دی ہے اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں پورے گھر میں لے کے ایک بار اس چیز کو دعوت دیں. کون ہے یہاں پہ؟ سامنے آؤ. بسم اللہ الرحمن، استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن. تم اس آگ سے بنے ہو، ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاؤ یا سامنے آؤ کسی بھی شکل میں. جانور کی شکل میں آ سکتے ہو. یہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. ادھر آؤ نوید، نوید آؤ، اوپر آؤ، اوپر آؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مگر ہم اوپر کی جانب جا رہے ہیں. نوید بہت دھیان سے، وہ چیز ہمیں ریئیکشن دیکھ سکتی ہے. آگ کی وجہ سے ہمیں فزیکل اٹیک بھی ہو سکتا ہے. بہت دھیان سے. دیکھو ہم تمہاری جگہ پہ آئے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ. مثلا ہم تھوڑا سا یہاں پہ اس کی کیا اس آگ کو بجھا سکتے ہو، ہونے کا احساس دلا سکتے ہو بغیر نقصان پہنچائے، بغیر. آگ بجھاؤ. آگ نہیں بجھا سکتے تو اپنے ہونے کا احساس دلاؤ. سامنے آ سکتے ہو میرے. مجھے پتہ ہے کہ تم ضدی چیز ہو ناظرین، بہت ضدی چیز ہے. میں اس چیز کو جان گیا ہوں، میں اس چیز سے ڈر نہیں رہا، میں اس چیز سے فیس کرنے کے لیے میں ریڈی ہوں. اور وہ جو چیز ہے وہ مسلسل ہمارے ساتھ ہے لیکن سامنے نہیں آ رہی. آج میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ آج ہم جا رہے ہیں تو کوشش ہماری رہے گی کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہم پرووک کریں اور آپ تک سامنے لے کے آئیں کہ یہ جگہ سیف زدہ کس کی وجہ سے ہے. تھوڑی دیر یہ جگہ چھوڑ دو، صحیح ہے؟ ہم نیچے چلتے ہیں. ناظرین جو یہ دیکھو، یہ موومنٹ کر رہا ہے، موومنٹ کر رہا ہے، موو کر رہا ہے فلیم. ناظرین یہ آگ دیکھ سکتے ہیں آپ، دکھاؤ اسے، یہ نوید دکھاؤ، زوم کرو اسے. یہ ہوا بھی نہیں چل رہی اور یہ موو کر رہا ہے فلیم، ہلنے لگ گیا نا. اس کو بجھا دیا تو ہم مان لیں گے تم یہاں پہ ہو، نہ بجھا سکے تو اپنے ہونے کا ساس ہمیں دلاؤ. یہ دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے، زوم کیا میں دکھا رہے ہو نا.
नीचे चलते हैं और थोड़ा नीचे देखते हैं, उसके बाद फिर इसको मोमबत्ती को ऊपर देखते हैं, उठाने आते हैं कि ये बुझी गई या नहीं। आओ ज़रा नवीद देख के, नज़र हम नीचे देखते हैं क्या मामला हो सकते हैं। सईद कुछ हुआ है जे? नहीं, मैं अच्छा मोमबत्ती ऊपर लगाएं, सही है? तो अभी देखते हैं कि नाज़िम उस जगह को शायद हम छोड़ दिए आग की जगह से ज़्यादा, ताकि वो चीज़ पर वो हो। अभी एक बार मैं ऊपर जाऊँगा, सईद इन साइड पर हो जाओ, ऊपर ऊपर मोमबत्ती लगी हुई है, सईद देख के ज़रा। استغفر الله وہ اللہ معاف کرے، توبہ، اوف اللہ، اللہ اکبر۔ سعید سعید ادھر آ۔ اچھا ناظرین، اب وہ چیز نے بہت برا ریئیکشن دی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے، جس طرح یہ گھر جیسے ٹوٹنے والا ہو گیا تھا، اتنی زیادہ جیسے کوئی چیز موو کی ہو۔ بلی تو ہمیں نہیں مل پائی، آگ ابھی تک چل رہی ہے اور بہت۔ یہاں سے نوید پیچھے دیکھ کے، سعید آپ ادھر دکھاؤ، ادھر ہی رہنا، نیچے لائٹ ہمیں دے دینا، دیکھ کے ذرا دیکھو، سامنے آ سکتے ہو میرے؟ اچھا جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ چیز چپ ہو جاتی ہے، ہمارے ارد گرد کرتی ہے، نیچے جائیں گے اوپر سے کھڑکا اتنا زیادہ ریئیکشن دے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تھوڑا اندر جاتے ہیں دوبارہ۔ اوئے استغفر اللہ، سعید ایک سیکنڈ، نکل نکل جلدی۔ کیا بکواس کیا کہہ رہے، اوپر تھی نا ابھی، یہ وہ میرے گڑ، او خدا یہ بچارا بھی نکلا، اوپر کیا تھا ہمیں نہیں پتا، کیا کیا تھا اوپر، کیا میں مجھے نہیں پتا، میں اوف ناظرین، یار نوید راشد کیا ہو گیا، صحیح اوپر یار، میں اس کمرے میں گیا، ایک سے ٹھہرو میرے، ایزی ہو جائے، کیا ہوا بتائیں یار، اندھیرا تھا، آپ بھی میرے پیچھے لائٹ دیکھے تھے، سعید آپ پورا ایریا دکھا رہے تھے، ناظرین میں نے کیا دیکھا ہے، ریکارڈ ہوا ہے نائٹ ویژن پہ، 110% ریکارڈ ہوئی ہے یہ چیز یار۔ میں ادھر آؤ، میں اس کمرے میں انٹر ہو رہا ہوں نا، یہ آپ ناظرین آپ فالو کیجیے گا اس چیز کو، نائٹ ویژن میرا ریکارڈنگ پہ ہے۔ میں نے کیا دیکھا، میں یہاں پہ گیا ہوں، اندھیرا تھا، مجھے تو نہیں پتہ لگا، میں نے ونڈ اسکرین پہ دیکھا ہے اس پہ، میں نے جیسے ہی ادھر دیکھا نا یہاں پہ، یار باقاعدہ کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ میں کیا بتاؤں، پوری باڈی تھی، وہ پوری باڈی ایڈٹ پہ ناظرین آپ لوگ وہ دیکھیں گے وہ چیز، یار دس از انبلیویبل۔ اور مجھے اس ٹائم جانا،
ناظرین باقاعدہ آپ امیجن ایڈٹ بھی آپ ضرور دیکھیں گے. میں ابھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں, میں نے موم بتی کا رسک لیا. وہ گری ہے, یہ پڑی ہوئی ہے اور بجھی پڑی ہوئی ہے. اس چیز نے ہمیں ریئیکشن کیا دیا کہ میں نے اس کو کہا, اس کو میں نے سمجھ لیں دعوت دی, اس کو میں نے ڈیئر دیا, اس کو میں نے یہ کہا کہ تم اگر اس آگ سے بنے ہوئے ہو تو ہمارے سامنے آؤ. اور اس چیز نے ہمیں ہمارا ویٹ کیا, ہمارا ہم نے اس کا ویٹ کیا, اس نے ہمارا ویٹ کیا. ہم نے کیا دیا, موم بتی تھرو آؤٹ چل رہی تھی. میں اس کمرے میں جیسے اسی طرح کا اوپر جو کمرہ ہے میں اندر گیا ہوں ناظرین, نائٹ ویژن پہ یہ چیز ریکارڈ ہے کہ میں نے یوں کیا ہے کیمرہ اور سامنے کوئی باڈی کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوئی ہے. وہ ایڈٹ پہ آپ دیکھیں گے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ چیز آپ کو کیا لگی. کیا مجھے تو ایسا لگا کچھ اسکویئر ٹائپ کوئی چیز ہے باڈی نما, میں اس کو ایڈٹ پہ اور دیکھوں گا, لیکن آپ نے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے. اس کے بعد جب ہم نیچے بھاگ کر آئے میرے پاس کچھ الفاظ نہیں تھے. جب آپ ایک چیز دیکھ لو لائیو اور وہ بھی اس اندھیرے میں, میں نے تو نائٹ ویژن بھی دیکھی ہے وہ چیز. اور اس کے بعد نیچے ہم اترے ہیں, وہ موم بتی اسی ٹائم گری ہے. نوید نے کیمرا مین نے بتایا کہ کوئی چیز گری ہے اور میں نے دیکھا تو اس کو, اس کے بعد تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خاموشی ہے. وہ آگ بند ہو گئی ہے, وہ چیز نے اپنے آپ کا ہونے کا احساس دلا دیا اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں. ناظرین ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پہ اگر ہم جائیں کچھ ہو رہا ہے. ناظرین کوئی بھی جگہ ہو وہاں پہ ٹائم لگتا ہے وہ چیز کو پرووک کرنے میں. کچھ لوکیشنز ہوتی ہیں وہ پہلے سے ایکٹیو ہوتی ہیں, ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہونے کا ساتھ جلاتی ہیں. کچھ لوکیشن ہوتی ہیں آہستہ آہستہ اس کو پرووک کرنا پڑتا ہے. یہ جو مخلوق ہے یہ شرارتی چیز ہے, اس کا اپنا دل ہوتا ہے, اس کا دماغ بھی توازن کچھ نہیں ہوتا. ان کا کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ پہ پتھراؤ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ ایسی اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہوا, آپ نے حساب نہیں کیا ہوا. اس کے علاوہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں, ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے. لمٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن آج میں لمٹ سے تھوڑا ایکسیڈ ہوا. کافی ایپیسوڈس کے بعد میں نے موم بتی کا استعمال کیا تو اس کا ریئیکشن آپ کے سامنے. چیز نے اینڈ پہ, یہ میں بار بار کہوں گا, چیز نے اینڈ پہ اپنا سارا کچھ ہمارے وہ چیز سامنے آ گئی. وہ کیا تھی, وہ بیسیکلی یہ جگہ جو اسیف زدہ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے, وہ آپ لوگوں نے ضرور نائٹ ویژن پہ ایڈٹ پہ دیکھی ہوگی. تو ناظرین آپ کے علم میں کوئی بھی ایسی جگہ ہو, کوئی اسکول ہو, کوئی گھر ہو, کوئی بلڈنگ کچھ بھی ہو شہر لاہور میں یا اس کے اطراف میں, تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں. کبھی کبھار ہمارا اگر فون نمبر نہیں مل رہا ہو تو ہم سے آپ ای میل اور ہم سے آپ فیس بک پہ 24 hours کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی. آپ کی فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا کہ آج جو لوکیشن ہم نے چیز ریکارڈ کی اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا. تو ابھی تک کے لیے مشعل فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.